بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین رسول الثقلین امام القبلتین سید الکونین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگو اور عزیز ساتھیو اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اپنے فرما بردار بندیاں واسطے جنت تیار کیتی اور جنت دے اندر ایسیاں ایسیاں نعمتاں ہون گیا جنہ دے متعلق نہ کسے کان نے سنے نہ کسے آنکھ نے ویکھی ہے اور نہ کسے دے دل اندر تصور پیدا ہوئے حدیث قدسی ہے صحیح البخاری ہے
अल्लाह ताला फरमांदे ने कि मैं अपने नेक बंदियां वास्ते ऐसियां ऐसियां नेमतां तैयार कीतियां ने, उन्हां दे मुतालिक किसे कान ने सुनिया भी नहीं, किसे अख ने देखिया भी नहीं, और किसे दे दिल अंदर उन्हां दे मुतालिक तसव्वर भी नहीं पैदा होए। जन्नत दे अंदर जिंदगी हमेशा वास्ते होएगी, मौत कदी नहीं आएगी। जन्नत दे अंदर सेहत तंदुरुस्ती हमेशा वास्ते होएगी, बीमारी कदी नहीं आएगी। जन्नत दे अंदर जवानी हमेशा वास्ते होएगी, बुढ़ापा कदी नहीं आएगा। और जन्नत दे अंदर खुशहाली हमेशा वास्ते होएगी, बदहाली कदी नहीं आएगी। सही मुसलम दी रवायत दे मुताबक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जन्नत दे अंदर चले जाएंगे, एक ऐलान करन वाला ऐलान करेगा कि तुहानू हक हासिल है, तुसी हमेशा वास्ते रहोगे, तुआडे ते कदे मौत नहीं आ सकती, सेहत तंदुरुस्ती तुआडे वास्ते हमेशा होएगी, बीमार तुसी कदे नहीं होवोगे, जवानी तुआडे वास्ते हमेशा लई होएगी, तुसी बूढ़े कदे नहीं होवोगे, तुसी हमेशा खुशहाल रवोगे, तंगी और बदहाली तुआडे ते कदे नहीं आ सकती। जन्नत दियां सारियां नेमतां विचों एक नेमत ए भी होएगी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदियां वास्ते जन्नत दे अंदर घर बनाए ने, महल बनाए ने, जिथे मोमन बंदे रहायश पजीर होंगे। सही बुखारी दी रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज दा मंजर बयान करदे होया फरमाया कि मैं जन्नत दे अंदर खूबसूरत महल वेखे, और उस महल दे अंदर एक खातून ने जड़ी वजू पई कर दिए, ते मैं पूछिया लिमन हाजा ए महल किदा है, तो दसिया गया के लिराजुली मिन कुरैश, कुरैश दे एक नौजवान दे। फरमाया मैं ख्वाहिश कीती कि शायद वो मैं हुआ, फिर मैं पूछ लिया कि वो आदमी कौन है। दसिया गया कि ए महल हजरत उमर बिन खताब दा है रजी अल्लाह ताला अन्हु। पता ही लगा कि जन्नत दे अंदर अल्लाह ताला ने घर बनाए ने, महल बनाए ने, कोठी बनाई। सवाल ये पैदा होंदा है कि जन्नत दे महला तो किन्ना लोगों वास्ते, और
केड़े आमाल ने के जिन आमाल दी वजह तो बंदे दा घर जन्नत विच बंद है। दुनिया दे अंदर महंगे तो महंगे टाउन दे अंदर कॉलोनी दे अंदर किसे दा घर होए किसे दा पलाट होए बंदा बड़ा खुश हुंदा है कि फैसलाबाद दे महंगे तरीन टाउन दे अंदर मेरा पलाट है मेरा घर है। उस बंदे दी किस्मत और नसीब दे गया कहने के जिदा महल जिदा घर अल्लाह दी जन्नत दे अंदर बन गया। आइए गौर कीजिए तवज्जो कीजिए मैं तुहाडे सामने उन आमाल दा जिक्र करना है कि जिन आमाल दी वजह तो बंदे दा जन्नत दे अंदर घर बन जांदा है। क्योंकि रमजान करीब करीब आ रहा है तो ममूल बनाओ जन्नत दे अंदर घर बनाओ ते अमल करन दा भी ममूल बनाओ। आइए गौर कीजिए तवज्जो कीजिए मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नाज़िल होन वाला अल्लाह ताला दा कुरान बयान कर दे तीवा सपारा सूरत ज़ुमर आयत नंबर 20 فَرْمَايَ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد الله لا يخلف الله الميعاد فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی نے अपने मुत्तकी बंदियां वास्ते जन्नत अंदर बाला खाने बनाए ने महल बनाए ने उन्हां दे ऊपर भी बाला खाने ने ते नीचे नगरा पईयां चल दिया ने ते अल्लाह तुहाडे नाल उन्हां महलात दा वादा पै कर देने ते अल्लाह दा वादा हक है सच है। हजरात जीवकार पहला अमल रवैत तिरमजी दे अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने कुछ इंज दे मखल भी बनाए ने अंदरों बैरूनी हिस्सा नजर आंदे ते बारो अंदरूनी हिस्सा नजर आंदा गए। सहाबार्ज कर देने मबूब ऐसे बाला खाने किन्ना वास्ते गोणगे केड़े खुश नसीब ने जिन्ना नू जन्नत दे अंदर इतने अजीम महल अता कीते जानगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने उस बंदे वास्ते ने जिदे अंदर चार खूबियां पाईया जांदियां ने अअल्लाहु तआला लिमन अतअमता ओ बंदा जेड़ा एक दूसरे नु खाना खिलान वाला है और दूसरी खूबी फरमाया ओ बंदा अव्वल अलानल कलाम जेड़ा नरम गुफ्तगू करन वाला है लोग
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖੂਬੀ ਵਾ ਤਾਬਅਸੀਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾ ਸੱਲਾ ਬਿਲ ਵੰਨਾ ਸੁਨਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਣ ਜਾਣੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਤਹੱਜਦ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ, ਘਰ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤਾਂ, ਘਰ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਕਲ ਬਣ ਜਾਏ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ। ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਫੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਰਬਾਨ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਫੇਲਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੋਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜੀ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਉਣ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਬਨੂ ਲਿਆਬਦੀ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਘਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਬਨੂ ਲਿਆਬਦੀ ਬੈਤਨ ਫਿਲ ਜੰਨਤਿ ਵਸਮੋਹੁਮ ਬੈਤਲ ਹਮਦ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੈਤੁਲ ਹਮਦ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹਮਦਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤੁਲ ਹਮਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਲਜ਼ੀਨਾ ਤਕਉ ਰੱਬਹੁਮ ਲਹੁਮ ਗੁਰਫੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਾ ਗੁਰਫੁਮ ਮਬਨੀਆ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਖਤਿਹਾ ਅਲ-ਅਨਹਾਰ ਵਅਦੁ ਅੱਲਾਹਿ ਲਾ ਯੁਖਲਿਫੁ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਮੀਆਦ।
तीसरा अमल जिदी वजह तो जन्नत दे अंदर बंदे दा घर बन जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह रवायत सही मुस्लिम दे अंदर है। फर्ज नमाज़ा पढ़ते हो फर्ज नमाज़ा तो पहले और बाद दे अंदर जड़ी नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम नमाज़े नफल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रकात हमेशगी इख्तियार की है। आप दा मामूल मुबारक सी मेरे पैगंबर सुनता अदा फरमाया कर दे साने नफल अदा फरमाया कर दे साने इनू सुनते मुअक्कदा किया जांदा है। जड़िया सुनता पढ़निया लाजमी ते जरूरी ने। अल्लाह अकबर अल्लाह जदो क़यामत दा दिन होएगा फर्जां दे अंदर कोई कमी पेशी हो जाएगी ते अल्लाह नफला नाल पूरी फरमा देंगे। और एक दूसरा फायदा है सुनता पढ़न दा है मेरे पैगंबर दी प्यारी जाए मुहतरमा है सईदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन सल्ला फी यौमिन वलैलतिन अशरत रकअतन सिन तई अशरत रकअतन बुनियल बैतुन फिल जन्ना अरबान कबल जुहरी व रकअतैन बादहा व रकअतैन बादल मगरिब व रकअतैन बादल इशा व रकअतैन कबल फजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जड़ा बंदा दिन और रात अंदर फर्ज नमाज़ां तो अलावा बारह रकात अदा करदा है सुनते मुअक्कदा अदा करदा है चार जोर तो पहले ते दो बाद दे अंदर दो मगरब तो बाद ते दो इशा तो बाद और दो फजर तो पहले इधरों इंदियां सुनता बारह मुकम्मल हो जांदियां ने। उधरों अरशे बरी तो आवाज आंदी है बंदिया तू मेरे पैगंबर दी मान के सुनता बारह मुकम्मल कीतियां ने मैं जन्नत दे अंदर तेरा घर मुकम्मल कर छड़िया है। इधरों सुनता मुकम्मल होइयां ने उधरों अल्लाह ते जन्नत दे अंदर घर बन जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह चौथा अमल जिदी वजह तो जन्नत दे अंदर बंदे दा घर बन जांदा है। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नफल दे अंदर एक नमाज है जिन्नू इशरा किया जांदा है नाम ते मुख्तलफ ने इन्नू इशराक भी किया जांदा सलातु जुखा भी किया जांदा नमाज चाशत भी किया जांदा सलातु लवाबीन भी किया जांदा नमाज कोई नाम ते मुख्तलफ ने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे पैगंबर ने नमाज इशराक दी वसीयत फरमाई है और मेरे पैगंबर फरमाते ने जदों बंदा सुबह करता है हर बंदे दे जिस्म ते जोड़ दे सदका लाजिम हो जाता है। हर बंदे दे जिस्म दे अंदर 360 जोड़ ने। सहाबा अर्ज करते ने सोने किवें अदा करिए इन्ने सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा नमाज़े इशराक दिया दो रकतां पढ़ लैंदा है इशराक दे दो नफल अदा कर लैंदा है अल्लाह 360 जोड़ां दा सदका अदा फरमा देंदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जेड़ा बंदा फजर दी नमाज
तो पढ़न तो बाद मस्जिद के अंदर बैठा रहा है, जिक्रो अजकार करता रहा है, हत्ता के जो सूरज तो लोग होता है ते दो रक्त अदा कर लैंदा है, शराक दिया है। फरमाया अल्लाह ताला नु एक हज ते एक उम्र दा सवाब अता फरमा देंदे ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रवायत सिलसिला अहादीस सहीहा ते अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जड़ा बंदा इशराक दिया चार रकतां पढ़ता है, दो भी बंदा पढ़ सकता है ते चार भी छे भी अठ तक पढ़ सकता है, एदी जमात कोई नहीं, अलग अलग बंदा पढ़ सकता है। फरमाया जड़ा बंदा इशराक दे चार नफल पढ़ता है, अल्लाह ताला शाम तक उस बंदे नो शैतान तो महफूज भी रख देने, शाम तक अल्लाह उस बंदे दी हिफाजत भी कर देने ते उदा जन्नत दे अंदर घर भी बना छड़ देने। अल्लाह को अकबर है, अल्लाह है। फरमाया ला किन्नल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुल तजरी लहुम ग़ुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुम मबनिया तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु मियाद। ओ जन्नत कैसी अजीम जन्नत है जिदे अंदर मोमना बंदिया दे घर पे बनते ने, ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी, ओ जन्नत जिदे विच नगमे दुयोरा जिदे विच जवाना कवारी अगोरा, ओ जन्नत जिदे विच ऐशा सुरूरा जिदे विच अनोखिया मिट्टिया खजूरा, ओ जन्नत जिदे विच बल तेने मेवे जिदे विच पल मेवे लगा हजारा जिदे विच चल दिया दुध दिया नगरा। अल्लाह नसीब फरमा दे सारे नु। अल्लाह को अकबर है, अल्लाह है। आओ अगला अमल सुनो जरा तेजी वकार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रवै सुन्नुल बुखारी दे अंदर फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। जड़ा बंदा अल्लाह दी रजा दी खातर मस्जिद बनांदा है, इंज कह लो जड़ा अल्लाह दी रजा दी खातर मकसद रियाकारी ना होवे दिखलाना ना होवे दिखलावा दे सान जतलाना ना होवे। फरमाया जड़ा दुनिया ते अल्लाह दा घर बनांदा है, अल्लाह जन्नत दे अंदर उहदा घर तामीर फरमा देंदे ने। और अगला अमल रवै तिरमजी दे अंदर ते मुसन्नफ बने शैबा दे अंदर मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है वो बंदा जड़ा मस्जिद नबवी दी तौसी वास्ते प्लाट खरीद करके मस्जिद दे अंदर अमल कर देवे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मैं उन्हू जन्नत दे अंदर घर दी जमानत देना वाए। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ओ प्लाट खरीद करके मस्जिद दे अंदर शामिल करके मस्जिद दी तौसी दे अंदर हिस्सा पा दिता गए। आप फरमांदे ने उस्मान, मैं जन्नत दे अंदर महल दी तैनू जमानत पिया देना वाए, जन्नत दे अंदर घर दी मैं तैनू जमानत पिया देना वाए। अल्लाह को अकबर, अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जड़ा बंदा एक घोंसले ते बराबर अल्लाह दा घर बनांदा है। मुहद्दिसीन लिखदे ने इस तो मुराद ए वे अपनी खासियत दे मुताबिक जड़ा बंदा है अल्लाह दे घर दे अंदर हिस्सा पा देंदा है अल्लाह उहदा घर भी जन्नत दे अंदर बना देंदे ने। मस्जिद बनाण नाल भी अल्लाह दी जन्नत दे अंदर घर बन जांदा है। मस्जिद दी तौसी दे अंदर हिस्सा पाण दे नाल भी अल्लाह दी जन्नत दे अंदर घर बन जांदा है। आइए अगला अमल सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रवायत सिलसिला अहादीस सहीहा दे अंदर मौजूद है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा नमाज पढ़ता है ते नमाज का हिस्सा है सफ दुरुस्त करना है नमाज का हिस्सा है मिल करके खड़े हो जाना है सफ नू बराबर कर लेना है। आम फरमाते ने जड़ा बंदा है सफा नू मिलांदा है अल्लाह उन्होंने दिलों नू मिला देंदे ने आपस के अंदर सलूक ते तफाक पैदा फरमा देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मस्जिद दे अंदर आए नमाज पढ़ने वास्ते और सफ दे अंदर खाली जगह पुर कर देंदा है सफ दे अंदर खला पुर कर देंदा है नाल मिल जांदा है नाल मिल करके खड़ा हो जांदा है। फरमाया अल्लाह तआला उहदा एक दर्जा बुलंद भी कर देंदे ने ते जन्नत दे अंदर उहदा घर भी बना छड़दे ने। किड्डा वड्डा अजर। फरमाया सफ दे अंदर कोई खला होवे खाली जगह होवे ते उहनूं पुर करन वाला बंदा सफ नूं मिलांदा ते खाली जगह पुर कर देंदा है। फरमाया एक दर्जा भी अल्लाह बुलंद कर देंदे ने इस छोटे जे अमल की वजह तो अल्लाह जन्नत दे अंदर घर भी बना छड़ दे। कितना बड़ा अजर। आइए रवायत सहीह बुखारी दे अंदर है सही तरगीब व तरहीब अंदर अगला अमल सुनिए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे ते कुरान सारा अजमत वाला शान वाला हर सूरत मुकाम वाली ते शान वाली लेकिन बाज ऐसिया सूरतां ने जिन्हां नूं खसूसी फजीलत हासिल गए उन्हां दे अंदरों एक सूरत जिन्हों सूरतुल इखलास किया जांदा गए कुल हुवल्लाहु अहद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हों सुलुसुल कुरान भी किया जांदा गए कुरान दा तीसरा हिस्सा भी किया जाता है इसके अंदर अल्लाह की तौहीद ते सफात नू बयान किया गया है। फरमाया जेड़ा बंदा एक दफा सूरह इखलास पढ़ लैंदा है अल्लाह दस बारियां दा जरा ता फरमा देंदे ने। जेड़ा बंदा दो मरतबा सूरह इखलास पढ़ लैंदा है अल्लाह उन्हों बीस बारियां दा जरा ता फरमा देंदे ने। जेड़ा बंदा तीन दफा सूरह इखलास की तिलावत कर लैंदा है अल्लाह पाक उन्हूं पूरे कुरान दा जुरो सवाब अता फरमा देंदे ने। और जड़ा मुहब्बत नाल पढ़दा जावे सूरह इखलास नूं हत्ता के दस मरतबा मुकम्मल कर लवे सूरह इखलास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने उधरों दसवीं मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल हो जाती है उधरों एदा जन्नत दे अंदर घर बन जाता है। दस मरतबा सूरह इखलास पढ़न नाले
बंदे दा जन्नत दे अंदर घर बन जांदा है। किन्ना को टाइम लगता है दसो ए वालिया, फजूल कम्मा दे अंदर असी घंटे घंटे गुजार छड़ने आए। क्रिकेट दा मैच होवे ते असी अद्धा दा दिन गुजार छड़ने आए। कबड्डी दा मैच होवे ते टूरनामेंट होवे, असी अपने कम्मा कारा नू छड़ के उहदे अंदर शामिल हो जाने आए। आ कुरान नाल मुहब्बत कर, चंद मिनट सूरह इखलास पढ़ के जन्नत दे अंदर अपना घर बना ले। हजरत उमर कोल खड़े ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अर्ज करते ने सोनिया मैं ते पढ़ पढ़ के जन्नत दे अंदर कई महल बना लवांगा, मेरे ते जन्नत दे अंदर कई घर बन जावणगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाहु अकसर व अतयब। उमर प्यारे आ तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, अल्लाह महल बनांदे बनांदे कदी नहीं थकणगे। ए मुहब्बत तैनू अल्लाह दे जन्नत दे अंदर पहुंचा देवेगी। रवैसी उल बुखारी दे अंदर गए हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु बयान कर देने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है अनसारी सहाबी, मस्जिद कुबा दे अंदर इमामत करवांदे ने। हर रकत दे अंदर हर सूरह नाल सूरह इखलास मला लैंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हां भाई क्यों पढ़ना है हर सूरत दे नाल सूरतुल इखलास। अर्ज करदे ने सोने आ इन्नी ओहिबो गा, मैनू इहदे नाल मुहब्बत बड़ी है, इहदे नाल मैनू प्यार बणाए, तां मैं सूरह इखलास पढ़ना वा। हर रकत अंदर ते कर सूरत दे नाल पढ़ना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हुब्बो का इया आगा अद खाला कल जन्ना आए। अगर तू इस सूरत नाल मुहब्बत करना है, ए मुहब्बत तेनू अल्लाह दे जन्नत दे अंदर ले जावेगी। सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना कीता है, काफला रवाना कीता है, एक बंदे नू उहनां दा अमीर बना दिता है। जदों नमाज दा टाइम हुंदा है ते अपने काफले वालिआं नू नमाज पढ़ा देंदे ने। मामूल एवें कि सूरह इखलास हर रकत दे अंदर तिलावत करदे ने। साथिया नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू दस्सिआ, आप फरमांदे ने उहनू पुछो वजह के आ गए। महबूब सोहणिआ पुछिआ ते उहने आखिआ इहदे अंदर अल्लाह दी तौहीद बयान होइए, अल्लाह दी सफात बयान होइए, मैं इहदे नाल मुहब्बत करना वा, तां मैं सूरह इखलास दी तिलावत बार बार करना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखबिरहु अन्नल्लाहा युहिब्बुहु, उहनू कहंदे हो अगर सूरह इखलास नाल मुहब्बत करदा है उहनू कह दो फिर अर्श वाला रब तेरे नाल मुहब्बत करदा है। कुरान नाल मुहब्बत करया करो, ये मुहब्बत ऐसी है कि जड़ी तोड़ तक नाल जांदी है ते अल्लाह दे जन्नत दे अंदर पहुंचा देंदी। मुसलमानों कुरान दे नेड़े आओ, कुरान दे नाल आया बगारा, मैं कुरान दे घर सिपारे तो सदके होया जिस ते नाजिल, मैं प्यारे तो सदके
ਕਲਾ ਮੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਸੀਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला अमल रवायत सही अल बुखारी दे अंदर है, अबू दाऊद दे अंदर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बंदा जड़ा हक दे बावजूद झगड़ा छोड़ देंदा है, हक ते है सच ते है लेकिन लड़ाई नहीं करदा झगड़ा नहीं करता शोर ते फितना बरपा नहीं करता लोगों नू अल्लाह वास्ते मुआफ कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर उन्हू नहीं किया जाता जड़ा जुल्मो सितम दे पहाड़ गिरा देवे, बहादुर उन्हू नहीं किया जाता जड़ा लोगों नू गिरा देवे, असल अंदर बहादुर उन्हू किया जाता है जड़ा लोगों नू माफ कर देवे। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह फरमाया जड़ा हक दे बावजूद झगड़ा छोड़ देंदा है, अल्लाह ताला अदना दर्जे दे अंदर ओदा जन्नत दे अंदर महल बना देंदे ने। आइए अगला अमल सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवैत अबू दाऊद दे अंदर गए, फरमाया ओ बंदा जड़ा मजाक दे अंदर भी झूठ नहीं बोलता, मजाक दे अंदर भी झूठ तो बचता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा बंदा झूठ बोलता है अल्लाह दी रहमत वाला फरिश्ता है एक मील ते तो दूर हो जाता है, वो झूठ बोलता जाता है हत्ता के अल्लाह दे कज़ाब लिखिया जांदा है, बड़ा वड्डा झूठा बंदा लिखिया जांदा है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह फरमाया लानत लागी अलल काज़िबीन, झूठियां बंदियां ते अल्लाह दी लानत ते फड़कार गुंदी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मजाक जायज है, खुश तबाह होना जायज है, खुश तभी मेरे पैगंबर ने भी की गए। एक अम्मा जी आई है मेरे पैगंबर दे कोले, महबूब सोने के आ बुढ़िया ने भी जन्नत दे अंदर जाना है के नहीं जाना है, मेरे पैगंबर फरमांदी ने अम्मा जाने बुढ़िया जन्नत अंदर कोई नहीं जाना कोई नहीं होना बुढ़िया ने जन्नत दे अंदर। मां परेशान हो गई ते गम ज्यादा हो गई कि बनेगा साडा बुढ़िया लोग फरमांदे ने अम्मा परेशान ना हो, ओ जन्नत ऐसी जन्नत जिद अंदर बुढ़ियाने भी जवान हो जाना है, उते बुढ़े रहने कोई नहीं बुढ़ियाने भी जवान हो जाना है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह एक बंदा है नबी पाक अली सलातो सलाम दे कोले, अर्ज करता सोनिया मैनू सवारी चाहिए है ते एक ऊंट दे दे। आप फरमाते नहीं एक ऊंट का बच्चा दे छो, कहता सोनिया मैं ऊंट का बच्चा की करना है मैं तो ऊंट मंगया है। आप फरमाते ने ऊंट भी तो किसी का बच्चा ही होंगे है, खुश तबा जायज है खुश तभी जायज है लेकिन वो जिदे अंदर झूठ ना बोलिया जाए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अल्लाह जन्नत दे दरमियाने हिस्से दे अंदर ऐसे बंदे का घर बड़ा छड़ देने, जड़ा मजाक दे अंदर भी झूठ नहीं बोलता है। अगला अमल सुनिए। रवैत तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओ बंदा जिदा खलाक अच्छा है जिदा चलन चाल अच्छा है
गए जिदा किरदार अच्छा गए। फरमाया कयामत दिन वजन तराजू दे अंदर भारी होनगियां दो चीजा है, पलड़े दे अंदर दो चीजा भारी होनगियां है। कयामत दे दिन कल्ला दा डर होएगा, एक अच्छा अखलाक होएगा, दो चीजा दा बड़ा वजन होएगा कयामत दे दिन। इस वास्ते कायनात दे लोगो अपना अखलाक अच्छा कर लवो ते किरदार अच्छा कर लवो। फरमाया वा इन्नका लआला खुलुकिन अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने अखलाक दे आला मनसब ते फाइज फरमाया गए। अल्लाह पाक ऐसे बंदे दा जन्नत दे अंदर आला दर्जा और आला दर्जे दे अंदर घर बड़ा छड़ देने। अल्लाह को अकबर है अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है रवायत सही मुस्लिम दे अंदर गए। फरमाया ओ बंदा जना बीमार दी बीमार पुरसी करदा गए, सुबह वेले बीमार दी बीमार पुरसी करदा गए, शाम तक अल्लाह दे 70,000 फरिश्ते ओदी मगफरत वास्ते दुआवां करदे रहंदे ने। और जड़ा बंदा शाम नो अपने भाई दी बीमार पुरसी करदा गए, अल्लाह पाक दे 70,000 फरिश्ते सुबह तक ओदे वास्ते मगफरत दियां दुआवां करदे रहंदे ने। एक रवायत दे मुताबिक जदों तक बीमार कोल बैठा रहंदा गए, एवें ही जिवें जन्नत दे ताज़ा फल पिया चुणदा गए। एक रवायत दे मुताबिक बने माजा दी जदों ए बीमार दी बीमार पुरजी करन वास्ते टुरदा गए, आसमान तो आवाज आंदी है तेरा चलना आला तेरा जाना आला गए। फरमाया तू बीमार दी बीमार पुरसी करन चलिया गए, मैं जन्नत दे अंदर तेरा घर बना छड़िया गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। रवै तिरमजी दे अंदर मौजूद गए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई की ज़ियारत करने वास्ते जांदा है, अल्लाह की रजा की खातर उन्हें मिलने वास्ते जांदा गए, आसमान तो अल्लाह ताला खुद फरमाते ने ओ मेरिया बंदिया तेरा चलना भी आला तेरा जाना भी आला है, मैं तेरे ते इन्ना खुश हो गया वा के मैं जन्नत दे अंदर तेरा घर बना दिता गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ओ मैं बड़ा वड्डा जुरो सवाब बयान कर लगा वा तुसी हैरान हो जाओगे सुन के। रवायत जामे तिरमजी दे अंदर मौजूद गए मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा बाजार अंदर जांदा है बाजार अंदर जांदा है ते बाजार जान दी दुआ पढ़ लैंदा है, बड़ी अहमियत है इस दुआ दी, बड़ी फजीलत है इस दुआ दी, बाजार जान दी दुआ नोट फरमा लवो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहु मुल्क व लहु हमद युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहि लखैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया बंदा दुआ पढ़ता है बाजार अंदर जान दी, अल्लाह पाक माल अंदर 10,00,000 नेकियां दर्ज फरमा देंदे ने, 10,00,000 बुराइयां मिटा देंदे ने और 10,00,000 दराजात बुलंद कर देंदे ने। और एक रवायत मुताबक
इतना बड़ा अजर भी अता कर देने ते जन्नत दे अंदर ओदा घर भी बड़ा छड़ देने। इतना बड़ा अजर है। फरमाया ए सारे अमाल तुसी कर लो, अल्लाह जन्नत दे अंदर तुहाडे नाम दा एक घर तमीर फरमा देंगे। दुआ करो अल्लाह सानू ए अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।